बीते 5.25 साल से वो शख्स देश दुनिया में छाया रहा, लेकिन बुजुर्ग माँ की आंखें पल पल बेटे की राह निहारती रही। एक लंबे इंतजार के बाद ही सही मंगलवार को आखिरकार वो भावुक क्षण आ गया। पहाड़ के एक आम गांव में बैठे बुजुर्ग माँ ने दुनिया के लिए बड़ा नाम होके अपने लाल को गले से लगा कर जी भर कर लाड किया। भावुक योगी एक पल माँ को निहारते रहे। योगी इससे पूर्व 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर आए थे। यमकेश्वर में भाजपा प्रत्याशी रितु खंडोड़ी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 11 फरवरी 2017 को योगी ने रात अपने घर पर बिताई थी। तब वो सिर्फ गोरखपुर के एक सांसद थे। इससे कुछ माह बाद ही वह यूपी के सीएम बन गए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कारण योगी अपने गाँव नहीं आ पा रहे थे। इस बीच 2020 में उनके पिता आनंद सिंह विष्ट का भी निधन हो गया। योगी फिर भी अपने गांव नहीं आ पाए। हालांकि उनके परिवार लोग योगी से मिलने लखनऊ जाते रहे, लेकिन मां से मिलने की उनकी इच्छा हमेशा बनी रही। बतौर सीएम पहले कार्यकाल में 84 वर्षीय मां सावित्री देवी भी लखनऊ सीएम आवास में गई थी, लेकिन इसके बाद मां और बेटे का मिलना नहीं हो पाया। यूपी में दोबारा सरकार बनाने के तत्काल बाद सीएम योगी ने मां से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पहुंचने पर मां सावित्री देवी, बहन शशि पायल और परिवार की अन्य महिलाओं ने